हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? कोई भी एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें एक एटम हमारा हाइड्रोजन हो और दूसरा एटम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल एंड ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मोलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ तो यहाँ पे दो मोलिक्यूल होते हैं। वैसे तो एक मॉलिक्यूल में भी होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। तो सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल हैं, एक ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये मॉलिक्यूल है। तो क्या होता है कि जब हमारा एक हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन एटम इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है, तो हमें पता है जब हमारा किसी भी बॉन्ड के अंदर एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो भी बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरा जो एटम होता है जो इस केस में हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें होगा। तो अब क्या होगा, जब भी इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हाइड्रोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये चार्जेस डेवलप हो गए हैं तो ये चार्जेस ऐसे कंप्लीट चार्ज नहीं है, पार्शियल चार्ज है, इस पर भी पार्शियल चार्ज है, इस पर भी पार्शियल चार्ज है। तो अब इन अपोजिट चार्जेस के बीच में, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इन अपोजिट चार्जेस के बीच में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना शुरू कर देगा। हमें पता है अपोजिट चार्जेज के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे ये चार्जेज कंप्लीट तो नहीं है, ये चार्जेज पार्शियल चार्जेज है, तो इसलिए इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो वीक लगेगा। और ये जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये डॉटेड लाइन से इसको शो करते हैं। तो इस टाइप से एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मॉलिक्यूल का, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ये जो एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो फेनोमेना है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आई होप कि आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया है। एक तो हमारा हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने की वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप से जब ये चार्जेस डेवलप होते हैं तो ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट करता है। तो अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया, अभी हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ड्रॉ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड या वाटर, कि हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस इन वाटर मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन विद द स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से ही हमसे पूछा जाता है, तो हम कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम एग्जांपल देख रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जब सॉलिड स्टेट में होगा तो इसके अंदर जिगजैग चेन की रूप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो सॉलिड स्टेट के अंदर स्ट्रक्चर होती है वो जिगजैग फॉर्म में होती है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिगजैग फॉर्म में हो रही है। कैसे होती है, अब देखो जैसे हमने HF का वहाँ पे एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो इस टाइप से बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो इसमें हाइड्रोजन का ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर ये फ्लोरीन का
पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या है, डॉटेड लाइन से जो हमने दिखाया है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वाले का हाइड्रोजन, इसका फ्लोरीन, अब इस वाले का हाइड्रोजन, इस वाले मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इनको बोल रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो HF होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर जिग जैग चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये चेन आगे कंटिन्यू हो जाएगी और ये चेन इधर से भी आगे कंटिन्यू होगी। इसके बाद हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है। अब इस वाले वाटर मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव, दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल का O नेगेटिव, O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। एक हमारा हाइड्रोजन एटम है इस बॉन्ड में और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इस टाइप से ये चेन कंटिन्यू होती है, स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अमोनिया की हम बात करते हैं, तो अमोनिया के अंदर कैसे होता है, ये हमारा एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल, ये अमोनिया का तीसरा मॉलिक्यूल, इस टाइप से अमोनिया के अंदर बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे। तो एक अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसमें ये नाइट्रोजन एटम होता है और तीन हाइड्रोजन उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो अब नाइट्रोजन एटम की हमें पता है अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से यहाँ पे इन सब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल को लेके हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो इस नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में ये जो नाइट्रोजन इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये सेकेंड जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन का और पार्शियल ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो बॉन्डिंग क्रिएट होगी इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया के अंदर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनिक में भी हमने डिस्कस किया है, एल्कोहल के अंदर जब हम देखते हैं एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, ये एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे वाला यहाँ एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे दूसरे इस वाले मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये जो बॉन्ड बनेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे लंबी चेन बनी हुई रहती है एल्कोहल के अंदर, तो हमने यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वाले मॉलिक्यूल में ये इसका हाइड्रोजन, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में ये इसका ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी होते हैं उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या फिर हेक्सेन में डाला हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डाइमर फॉर्म होगा। अब डाइमर कैसे फॉर्म होगा मैं इसको यहाँ से रब करके दिखाता हूँ, ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इधर ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल ये है, ये दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हाइड्रोजन इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सेम इसी तरीके से ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो अब क्या होगा कि ये जो दो मॉलिक्यूल होंगे इसमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन है
ये जो सी डबल बोन्ड ओ है इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये कार्बोनाइल वाला जो ऑक्सीजन है ये दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो हाइड्रोक्सी वाला हाइड्रोजन है इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखना है कौन सा, एक का कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन, दूसरे का हाइड्रोक्सी वाला हाइड्रोजन। अब इस वाले का ये हाइड्रोक्सी वाला हाइड्रोजन और इस वाले का ये कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ये डाइमर बन गया। एसोसिएटेड मोलिक्यूल्स बोलते हैं ऐसे मोलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, डाइमर बना लेते हैं, उनको बोलते हैं एसोसिएटेड मोलिक्यूल्स। तो ये हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं मोलिक्यूल्स के जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कुछ और भी मोलिक्यूल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारे ऐसे मोलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अभी हम उनको सभी को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सफिशियंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अभी हम देखते हैं कंडीशन क्या होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहली तो ये है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन बॉन्ड जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनता है, जैसे यहाँ पे ये फ्लोरीन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है। तो कहने का मतलब कि जो भी एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जिस एटम से जुड़ा हुआ है वो एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। और हाइड्रोजन एटम जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा जल्दी से बनेगा और ज़्यादा स्ट्रोंग बनेगा। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम ये क्या बता रहा है, पहला पॉइंट, हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एटम ग्रेटर इज द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जितनी ज़्यादा इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही आसानी से वहाँ बनेगा। अब ऐसे कौन कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जिनके साथ अगर हाइड्रोजन लग जाए तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ऐसे केवल तीन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये फोन से इसको याद रख सकते हो, FON, फोन। तो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे हैं जिनके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है तो उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। सेकंड क्या है, स्मॉलर साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि जो भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इनका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रोंग बनेगा, कि स्मॉलर द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड शुड बी ऑल्सो बी स्मॉल इन साइज, उसका साइज छोटा होना चाहिए। स्मॉलर इज द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवार्ड्स द हाइड्रोजन, कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा तो ये ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी ज़्यादा है, साइज भी इसका छोटा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, उस टाइम पे ओवरऑल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब इस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, सेम इधर होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज छोटा है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा, अब ये फोर्स स्ट्रोंग हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऑब्वियसली क्या है, स्ट्रोंग ही बनेगा, क्योंकि किसी भी केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम, उसी को ही तो हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम छोटा है साइज में, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो भी स्ट्रोंगर होगा, इसीलिए ये लिखा हुआ है स्ट्रोंगर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड,
कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे पहला देखते हैं हम, नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, यहाँ पे सिर्फ ये नाइट्रोजन शो किया हुआ है। तो इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इधर ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है ये। तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जितना ज़्यादा छोटा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा है और फ्लोरीन का साइज भी सबसे छोटा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज भी इसका छोटा, ऑक्सीजन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज इसका बड़ा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है और साइज इन दोनों को कंपैरिजन में बड़ा है। इसीलिए फ्लोरीन के केस में ये जो फर्स्ट और सेकंड जो फैक्टर यहाँ पे हमने लिखा है, ये जो कंडीशन लिखी है वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होती है। इसीलिए ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर ये थोड़ा सा वीक है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला इन दोनों के कंपेरिजन में वीक है। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ पे समझा है। तो इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो उनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, कि जिन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ के एक लंबी चेन बना लेता है, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स के को हम बोलते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर लंबी चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस आता है, जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एक मॉलिक्यूल अलग है, दूसरा मॉलिक्यूल अलग है, तीसरा मॉलिक्यूल अलग है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो। इसके बाद हम देखते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जिन भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ये हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कि जिन भी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये ध्यान रखना इंटरमोलिकुलर मैंने बताया है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। अब इंक्रीज क्यों होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को, कोई कंपाउंड है हमारे पास उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, जब हम उसको बॉइल करना चाहते हैं तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज करेगी और वो लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जाएंगे। लेकिन अब हमें पता है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब एक मॉलिक्यूल को लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाना है, अब एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ा हुआ है तो पहले जो उनके बीच में कनेक्शन है, जो ज्वाइंट्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाले, उन ज्वाइंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा तभी मॉलिक्यूल लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाएगा। अब उन ज्वाइंट्स को ब्रेक करने के लिए, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी हमें नहीं देनी पड़ती अगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते तो। तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग जब किसी मॉलिक्यूल में होती है और जब उस मॉलिक्यूल को बॉइल या मेल्ट करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो अमोनिया है, अब अमोनिया वाले नाइट्रोजन ग्रुप में देखते हैं, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। ये जो फोस्फीन है PH3, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन देखी थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा,
सेम इसी तरीके से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इससे, H2SC से। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबसेंट है। तो ये हमने देख लिया। थर्ड पॉइंट है सोल्युबिलिटी। अब अगर जब हम किसी भी कंपाउंड को किसी सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं तो वहाँ पे अगर वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल सोलवेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो वो कंपाउंड उस सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, उसमें वो सोल्यूबल होगा। अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूल सोलवेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो वो सोल्यूट हमेशा उस सोलवेंट में सोल्यूबल होंगे। तो एक प्रॉपर्टी ये चेंज होती है सोल्युबिलिटी की। अगर जो कंपाउंड सोलवेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो वो वाले कंपाउंड उस सोलवेंट में हमेशा सोल्यूबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर? तो इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि ये हमारा एल्कोहल का मोलिक्यूल है, ये वाटर का मोलिक्यूल है, ये आगे दूसरा एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का सेकेंड मोलिक्यूल, इधर वाटर का और मोलिक्यूल, फिर एल्कोहल कैसे होगा? तो ये जो एल्कोहल का मोलिक्यूल होता है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो जब भी सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वहां पे सोल्युबिलिटी हमेशा हाई होगी। इसी तरह अमोनिया है, ये जो अमोनिया है ये वाटर के साथ इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर। तो ये हमें पता चल जाता है कि सोल्युबिलिटी भी, अगर सोलवेंट के मोलिक्यूल के साथ सोल्यूट के मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हाई विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। कि जिन भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उन कंपाउंड्स की विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऐसे कंपाउंड्स और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबसेंट है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे ग्लिसरॉल का। अब ये ग्लिसरॉल की ये स्ट्रक्चर होती है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ग्लिसरॉल में तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। हर एक ग्लिसरॉल का मोलिक्यूल दूसरे ग्लिसरॉल के मोलिक्यूल से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है। और तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन इथेनॉल में केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवरऑल ज़्यादा होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवरऑल कम होगी। इसकी वजह से जो ग्लिसरॉल होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरॉल इज मच मोर एज कम्पेयर टू द विस्कोसिटी ऑफ दिस इथेनॉल। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। इसके बाद अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब दो टाइप की होती है। एक टाइप तो जो अभी हम स्टार्टिंग से और अभी तक पढ़ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो या दो से ज़्यादा मोलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो दो या दो से ज़्यादा मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो दो या दो से ज़्यादा मोलिक्यूल है ये सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं या डिफरेंट कंपाउंड के भी। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के बहुत सारे मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिग जैग फैशन में वो लाई करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमोनिया और वाटर के बीच में ये डिफरेंट मोलिक्यूल है, ये डिफरेंट। तो इस टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो दो सेम या दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच में होती है तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके अपोजिट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे दो या दो से ज्यादा मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसमें जो एक सिंगल मोलिक्यूल है उस सिंगल मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मोलिक्यूल। इंट्रा का अगर हम सिंपल इंग्लिश में वर्ड मीनिंग की तरह देखें तो इंट्रा मीन्स विद इन समथिंग, कि किसी चीज के अंदर। तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पे क्या मतलब है
कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, ये बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे इधर इसके ऑर्थो पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये नाइट्रो ग्रुप का ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये नाइट्रोजन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रो ग्रुप है इधर और ये एल्डिहाइड ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप का ये ऑक्सीजन और एल्डिहाइड ग्रुप का ये हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहा और ये हमारा हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब आगे देखें तो ये ऑर्थो नाइट्रो फिनोल है, ये कंपाउंड क्या है, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, कि ये OH ग्रुप है हमारा, इसके ऑर्थो पे ये नाइट्रो ग्रुप है। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का ये हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ये बना रहे हैं। इसी तरीके से ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेंजीन के ऊपर COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये फिनोलिक ग्रुप है OH। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन इस ओ ये जो फेनोलिक ग्रुप है इसके इस हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है। तो इस टाइप से जो विद इन द मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक ही मोलिक्यूल के अंदर, यहाँ कोई दूसरा मोलिक्यूल के साथ तो नहीं बना रहा है, ये इसी मोलिक्यूल के अंदर हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।